हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट हम किस तरीके से या किस ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और साथ ही गाइज़, अगर आप किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से कवर हो, इफ़ेक्टिव तरीके से कवर हो, तो आप हमारे, तो चाहे वो स्कूल सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, जवाहर नवोदय विद्यालय हो, RIMC, APS, दागशी, गुरुकुल, या फिर आप वैदिक मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी कोचिंग चाहते हैं, या फिर स्पेशल क्लासेज आपको चाहिए मैथ एंड रीजनिंग की, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 9996858323 पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं और आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ टू फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ एनी नंबर। तो गाइज, स्क्वेयर रूट निकालने से पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी है, वो है कि आपको 1 टू 30 आपको स्क्वेयर क्या है लर्न होने चाहिए। 1 टू 30 स्क्वेयर आपको लर्न होने चाहिए, 1 टू 30, ठीक है। 1 टू 30 आपको स्क्वेयर लर्न करने हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल के लिए, आपको एकदम से याद आ जाए कि इस 22 का स्क्वेयर क्या है या 23 का स्क्वेयर क्या है, ये आपको एकदम से लर्न ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लर्न होना चाहिए 1 टू 30। अब हम बात करते हैं क्या आगे, छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वेयर करते हैं और उस नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वेयर कर रहे हैं और उस नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 का स्क्वेयर करने पर हमें जो लास्ट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वेयर 1 होता है। 2, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 है और उस नंबर का मैं स्क्वेयर करता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट 4 मिलेगा। उसी तरीके से अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 3 है और 3 का स्क्वेयर करने पर हमें जो नंबर मिलेगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 3 3 9 होता है। उसी तरह 4 का स्क्वेयर करते हैं तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 4 4 16, तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट 6 मिलेगा। 5 का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट डिजिट 5 मिलेगा, क्योंकि 5 5 20 होता है। 6 का स्क्वेयर करने पर भी हमें जो लास्ट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 7 का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 7 7 49, तो 9 मिलेगा। 8 का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 8 8 64, यानी कि 4 मिलेगा। 9 का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट डिजिट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 9 9 81 होता है। और 10 का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये लास्ट डिजिट आपको लर्न होने चाहिए कि 1, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, जैसे मैं बात करता हूँ 21 की, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 1 है, लास्ट डिजिट 1 है, यानी कि 21 का स्क्वेयर करने के बाद, 21 का स्क्वेयर होता है 4 4 1, तो 21 का स्क्वेयर करने के बाद हमें जो लास्ट डिजिट मिला वो भी क्या मिला, 1 मिला। जैसे मैं बात करता हूँ 22 की, 22 का स्क्वेयर करते हैं तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 2 है। तो जब मैं 22 का स्क्वेयर करूँगा तो 22 का स्क्वेयर होता है 484, तो इसका जो लास्ट डिजिट मेरे को मिला क्या मिला, 4 मिला, यानी कि जो 2 था उसका जो लास्ट डिजिट मिल गया था 4 था, तो 2 का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट डिजिट क्या मिला, 4 मिला। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, फाइंड द क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ 6241। हमें 6241 का क्या निकालना है, स्क्वेयर रूट निकालना है, यानी कि हमें स्क्वेयर रूट निकालना है किसका, 6241 का। अब हम किस तरीके से स्क्वेयर रूट निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट हमें क्या दिया गया है। हमारे पास जो लास्ट डिजिट हमें दिया गया है वो दिया गया है 1, और हमें ये देखना है कि किस नंबर का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट डिजिट 1 मिलता है। तो एक तो 1 का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट डिजिट 1 मिलता है, 1 का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 9 का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि मेरे को ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि जो भी आंसर आएगा मेरा उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या फिर उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वेयर करने पर ही 1 मिलता है और 1 का स्क्वेयर करने पर भी हमें 1 मिलता है। तो या तो उसका लास्ट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस लास्ट 2 डिजिट को छोड़ देना है और आगे के जो 2 डिजिट हैं उनको ले लेना है। लास्ट 2 डिजिट को कर दो, छोड़ दो, उनको नहीं लेना। अब हम लेंगे आगे के 2 डिजिट, यानी कि 62। अब हम देखेंगे 62 से पहले परफेक्ट स्क्वेयर नंबर कौन सा है, 62 से पहले। तो हमें सबको पता है कि 8 का स्क्वेयर करने पर आता है 64। अगर मैं 8 का स्क्वेयर करता हूँ तो हमें मिलता है 64, और 64 जो है वो बड़ा हो गया किससे,
64 इज ग्रेटर देन 62, तो हम 64 नहीं लेंगे, हम लेंगे 7 का स्क्वायर, यानी कि क्या होता है हमारे पास 49। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है हमारे पास, तो 62 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 49। और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो 49 होता है हमारे पास 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया? 7 लिख लिया। अब हमें क्या करना है? 7 से अगले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 7 से अगला नंबर क्या होता है हमारे पास? 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 8 हमें क्या करना है? नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो 7 इंटू 8 कितना होता है? 56। 7 इंटू 8 होता है 56। अब हमें ये चेक करना है कि जो 62 है, जो 62 हमें दिया गया है, वो 56 से छोटा है या बड़ा है। हमें ये चेक करना है कि जो हमें नंबर दिया गया था 62, वो 56 से छोटा है कि बड़ा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 62 इज़ ग्रेटर देन 52, 62 इज़ ग्रेटर देन 52। तो हम क्या ले करेंगे? 7 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 7 के साथ हम क्या करेंगे? क्योंकि 7 हम इससे पहले परफेक्ट स्क्वेयर नंबर देखा 7 का था, तो 7 के साथ हम क्या ले लेंगे? बड़े वाला नंबर, यानी कि 9 ले लेंगे, ठीक है। 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 छोटा है, क्योंकि 62 यहाँ पर क्या है? बड़ा है। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 69 नहीं, 79 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 79, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा? लास्ट डेट क्या है? 1, तो 1 लिख दिया हमने। फिर हमने 62 से पहले परफेक्ट स्क्वेयर नंबर देखा, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर कौन सा है? 49। तो किसका होता है? 7 का, तो 7 लिखा। अब 7 के साथ में 1 लूँ या 9 लूँ, ये हमें चेक करना है। तो हमें क्या करना है? 7 से अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 से अगला नंबर है 8, 8 इंटू 7 इंटू 8 होता है 56। अब हमें चेक करना है कि 62 56 से बड़ा है कि छोटा है। तो 62 इज़ ग्रेटर देन 52, तो हमारे पास ये बड़े वाला नंबर हम ले लेंगे 7 के साथ, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ 7056। 7056 हमें इसका स्क्वेयर रूट निकालना है। तो हमें स्क्वेयर रूट निकालना है किसका? 7056 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि हमें लास्ट डिजिट क्या दिया गया। हमें लास्ट डिजिट दिया गया है 4। हमें लास्ट डिजिट दिया गया 6, सॉरी, हमें लास्ट डिजिट दिया गया 4। हमें जो लास्ट डिजिट दिया गया है वो दिया गया है 6। अब हमें ये चेक करना है कि किस किस का नंबर, किस नंबर को स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट में क्या मिलता है? 6 मिलता है। तो एक तो 4 का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट में 6 मिलता है, क्योंकि 4 4 से 16 होता है। और एक 6 का स्क्वायर करने पर हमें लास्ट में क्या मिलता है? 6 मिलता है, क्योंकि 6 6 36 होता है। अब मेरे को ये तो पता लग गया कि जो भी आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। फिर हमें क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देना है, आगे वाले दो नंबर लेने हैं 70। अब 70 से पहले परफेक्ट स्क्वेयर नंबर हमें देखना है। 70 से पहले परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, अगर मैं 9 करता हूँ तो 9 का स्क्वेयर करता हूँ, तो 9 9 81, 81 इज़ ग्रेटर देन 70, तो 9 नहीं लेंगे। फिर हम 8 पे आते हैं, 8 8 64, 64 इज स्मॉलर देन 70। तो हम क्या करेंगे? इससे पहले स्मॉलर नंबर देखना है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा परफेक्ट स्क्वेयर नंबर? वो कौन सा है? 64। तो 64 किसका स्क्वेयर होता है? 8 का। तो मेरे को ये तो पता लग गया कि 8 आएगा फर्स्ट पे। अब 8 के साथ हम 4 लें या 6 लें, वो मेरे को चेक करना है। तो हमें क्या करना है? जो नंबर आया 8, 8 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है हमारे पास? 9। नेक्स्ट नंबर 8 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 9। तो 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 9 होता है 72। अब हमें चेक करना है कि 70 जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था 70, वो 70 72 से छोटा है कि बड़ा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 70 इज स्मॉलर देन 72, तो हम क्या करेंगे? 8 के साथ स्मॉलर नंबर ले लेंगे। 8 के साथ क्या ले लेंगे? स्मॉलर नंबर, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 84। इसका आंसर कितना होगा? 84, यानी कि 7056 का जो स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 84 आएगा, ठीक है। नाउ हम थोड़े से और एग्जांपल पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 3 डिजिट में देखते हैं कि कैसे निकलेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया गया है कि फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ जैसे मैं लेता हूँ, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 14641। हमें इसका स्क्वेयर रूट निकालना है, 14641 का हमें स्क्वेयर रूट निकालना है। तो किस तरह से हम स्क्वेयर रूट निकाल सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से वही चीज़ क्या कि हमें देखना है कि लास्ट का डिजिट हमें क्या दिया गया है। तो लास्ट में जो हमें डिजिट दिया गया है वो 1 दिया गया है। और किस किस नंबर का स्क्वेयर करने पर हमें 1 मिलता है? एक तो 1 का स्क्वेयर करने पर हमें 1 मिलता है, और एक 9 का स्क्वेयर करने पर हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। एक मिलता है हमें 9 का स्क्वेयर करने पर 1। तो हमें ये तो कन्फर्म होगा कि लास्ट का डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा।
अब हमें क्या करना है, लास्ट के टू डिजिट को छोड़ देना है और स्टार्टिंग के थ्री डिजिट को ले लेना है। जो बस लास्ट के टू डिजिट छोड़ने हैं, बाकी आगे जो बचेगा वो हमने पूरे के पूरे नंबर ले लेने हैं। अब 146 से पहले परफेक्ट स्क्वेयर नंबर हमें देखना है। अगर हम 13 का स्क्वेयर करते हैं, 13 का, तो हमारे पास आता है 196। 196 होता है 13 का स्क्वेयर, तो 196 ग्रेटर हो गया 146 से, तो इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होता है वो होता है 144, और 144 किसका होता है, 12 का स्क्वेयर होता है। तो हमें ये भी पता लग गया कि आगे तो 12 आएगा। अब 12 के साथ में 1 लूँ या 9 लूँ वो मेरे को चेक करना है। तो हमें क्या करना है, जो हमें 12 दिया गया है उससे नेक्स्ट नंबर, इससे नेक्स्ट नंबर क्या आता है हमारे पास, 13, नेक्स्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि जो वन जो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया था 146, ये 156 से छोटा है कि बड़ा है। तो छोटा नंबर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 146 इज स्मॉलर देन 156, तो स्मॉलर है 146, तो हम क्या करेंगे 12 के साथ स्मॉलर नंबर ले लेंगे, यानी कि √14641 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा। तो एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, मैं अगर अपने मन से कोई क्वेश्चन लूँ, तो जैसे हमें दिया गया है फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ 17424, हमें 17424 का स्क्वेयर रूट निकालना है। तो हम किस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट हमें 4 दिया गया है, लास्ट डिजिट है हमारे पास 4, तो किस किस नंबर का स्क्वेयर करने पर हमें 4 मिलता है। तो एक तो 2 का स्क्वेयर करने पर हमें 4 मिलता है, क्योंकि 2 2 4 होता है, और एक 8 का स्क्वेयर करने पर हमें लास्ट में क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो ये लास्ट डिजिट तो मेरे को पता लगा कि लास्ट में या तो 2 होगा या 8 होगा। लास्ट के टू डिजिट को अब यहाँ पर छोड़ देना है, स्टार्टिंग के जो डिजिट रह गए वो ले लेने, यानी कि 174। अब 174 से पहले परफेक्ट स्क्वेयर नंबर हमें देखना है, 174 से पहले। अगर मैं 14 का स्क्वेयर करता हूँ, 14 का, तो 14 का स्क्वेयर होता है 196, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 30 तक आपको स्क्वेयर लर्न होने चाहिए। तो 14 का स्क्वेयर करने पर हमें मिलता है 196, तो 196 तो बड़ा हो गया, और 13 का स्क्वेयर करने पर हमें मिलता है 169, तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, 169। ये परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है किसका, 13 का। आपको परफेक्ट स्क्वेयर नंबर लेना है, 13 का है, तो मेरे को ये भी पता लग गया कि यहाँ पर आएगा 13। अब 13 के साथ मैं 2 लूँ या 8 लूँ वो हमें चेक करना है, हमें 2 लेना है या 8 लेना है वो हमें चेक करना है। तो जो भी हमारे पास आया परफेक्ट स्क्वेयर नंबर 13, 13 से नेक्स्ट नंबर कितना आता है 14, 14 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नेक्स्ट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 13 × 14 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 3 से कितना होता है 42, 42 का हमने लिया 4, ये आ जाएगा 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। अब हमें चेक करना है कि 172 182 से छोटा है कि बड़ा है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि छोटा है 172। अगर छोटा है ये, तो हम क्या करेंगे, 13 के साथ छोटे वाला नंबर ले लेंगे। अगर 172 बड़ा होता तो हम बड़े वाला नंबर ले लेते, यानी कि 13 के साथ 8 ले लेते। तो हमारे पास साफ साफ हमें नज़र आया कि 17424 का जब हम स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 132। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक इसकी, हाउ टू फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ एनी नंबर। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट निकाल सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी ट्रिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।